मैम आज मतदान चला हुआ है, सुबह से आप मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, जितना नहीं सोचा था उतना उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। लोग आ रहे हैं निकल के घरों से बाहर और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है, देख रहे हैं सब। सभी बूथ पे हम जा रहे हैं तो बहुत ही भीड़ है। प्लीज़ जो बाकी रह गया उनसे निवेदन करना चाहूँगी, प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने घरों से निकलें और वोट करें, कमल के फूल पर ही करनी है। हाँ जी, नाम बताइए। तरुण बंसल जी। हाँ जी, जैसे आपने यहाँ वोट डाला है, हाँ जी, उसको लेकर वोट डाला है? हमने यही वोट डाला है, हमारे कैथल शहर का विकास हो, कैसे शहर तरक्की करे, इस ये सोच के वोट डाला हमने अपना। तो पूरे परिवार समेत आए? हाँ जी, पूरे परिवार समेत आए। जी हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए जी, नाम आपका? मधु बंसल जी। आपने जैसे वोट डाला है मैम, तो क्या कुछ कहना चाहोगे वोट डालने? बस ये जो भी मतलब बने, चेयरमैन बने या एमसी बने, मतलब हमारे कैथल का सुधार हो। आप बताइए जी, नाम आपका? मीनू बंसल जी। आप क्या कहना चाहोगे? यही सोच के कि तरक्की हो कैथल की। दिल्ली से आए? हाँ, स्पेशल दिल्ली से आए हैं वोट डालने। दिल्ली से आए? हाँ जी। जैसे पहली बार डायरेक्ट जो चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, इसको लेकर काफी उत्साह है लोगों को? नहीं, वो है बिल्कुल है, स्पेशल इसीलिए दिल्ली से वोट डालने के लिए हम कैथल आए हैं। आप बताइए जी, नाम? अश्विनी बंसल जी। मुझे बहुत अच्छा लगा वोट डाल के, हमारे कैथल का सुधार हो इसलिए हमें वोट डाल रहे हैं। जो हम भी हमारे चेयरमैन बने, एमसी बने, कैथल में सुधार करे, लाइटिंग सुविधा करे और साफ सफाई रखे, इसलिए हमें वोट डाल पता चल रहा। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम टोनी बंडोला है जी, बीजेपी उपाध्यक्ष हूँ जी। आज जैसे मतदान चला हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? सारे पूरे के पूरे शहर में जी, 31 के 31 वार्डों में बीजेपी की जयजयकार हो रही है। सुरभि जी को लगातार लोग बढ़ से चढ़कर, ऐसा कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उसके जैसा कैंडिडेट किसी पार्टी के पास नहीं है, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट को भी देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हुए बीजेपी को वोट डाल दें, बढ़ चढ़कर वोट डाल